स वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम देखेंगे रिक्वेस्ट लेटर जैसे मैंने लास्ट की वीडियो में हमने देखा था वट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लेटर नो वी एक्चुअली गोइंग टू लर्न वट आर द रिक्वेस्ट लेटर्स हाउ टू ड्राफ्ट रिक्वेस्ट लेटर्स आफ्टर एट वी जस्ट ट्राई टू गिव सैम्पल और एग्जाम्पल ऑफ रिक्वेस्ट लेटर सो अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रिक्वेस्ट लेटर्स लर्न द टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट लेटर्स लेटर्स मेकिंग सर्टन रिक्वेस्ट में भी सेंड टू द फर्म बाय प्रव कस्टमर ऑफ द फर्म में सेंड आउट लेटर्स ऑफ रिक्वेस्ट टू अदर फर्म और अ बैंक सपोज कोई एक ए बी सी नाम का फर्म है वो दूसरे फर्म को रिक्वेस्ट लेटर सेंड कर रहा है सो दे हैव समस्पेक्टिव बीहैंड इट और द फर्म मे बी सेंड लेटर्स रिक्वेस्ट टू द अनदर फर्म एक फर्म दूसरे फर्म को रिक्वेस्ट लेटर लिख, लिख सकती है बैंक को लेटर लिख सकती है सो द रिस्पॉन्स फॉर सच रिक्वेस्ट लेटर मे बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी रिक्वेस्ट लेटर आप ड्राफ्ट करेंगे उसका इधर पॉजिटिव रिजल्ट होगा फीडबैक होगा या नेगेटिव होगा द लेटर्स ग्रांटिंग द रिक्वेस्ट आर ईजी टू राइट बट दैटर्स रिफ्यूजिंग द रिक्वेस्ट आर वन ऑफ डिफिकल्ट कोई हाँ बोलना है आपको रिक्वेस्ट लेटर आप ड्राफ्ट करें यस में कि ठीक है आपने जो रिक्वेस्ट किया था वो हमें मंजूर है लाइक दैट इट्स क्वाइट ईजी बट रिफ्यूजल काइंड ऑफ रिफ्यूजिंग द रिक्वेस्ट आर क्वाइट डिफिकल्ट टू एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव रिस्पॉन्स ओके सो द ग्रेट टैक्ट एंड कर्टसी मस्ट बी यूज इन द रीडर इज नॉट टू बी एंटोनाइज और ऑफेंडेड इट इज़ से द लेटर मे से नो और स्टिल रिटेन गुड विल ऑफ इट the replies granting the request should be capitalized or occasion in full of build uh, goodwill in, induce action. it should be state the action taken. this makes specific reference to the enclosure such as the catalogs, pamphlets, uh, incorporate still talk of uh, motivating the reader. so the what are the occasion for sending the request later? किस ओकेजन पे हम रिक्वेस्ट लेटर लिखते हैं या रिक्वेस्ट लेटर लिखने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है क्या पर्पस होते हैं किस पर्पस से हम रिक्वेस्ट लेटर ड्राफ्ट करते हैं रिक्वेस्ट लेटर ड्राफ्ट करने का पर्पस बिहेंड क्या है सम ऑफ द पर्पस फॉर विच द लेटर रिक्वेस्ट में बी रिटेन कुछ पर्पस यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्टेनिंग कैटलॉग्स इफ यू ऑप्टेन अ कैटलॉग देन वी नीड टू ड्राफ्ट अ रिक्वेस्ट लेटर

और आप चाहते हैं कि जो आगे वाली रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली जो कंपनी है वो आपको क्या करें क्रेडिट बेस पे रॉ मटेरियल दे तो इसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट लेटर ड्राफ्ट करना पड़ेगा जिसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आ, हमें क्रेडिट बेस पे कुछ गुड्स सप्लाई किए जाए सो दिस इज़ हाउ दिस इज़ द पर्पज़ बिहाइंड ड्राफ्टिंग और रिक्वेस्ट लेटर्स सो पहला हम देखते हैं ऑप्टेनिंग कैटलॉग्स एंड प्राइज लिस्ट ऑप्टेनिंग कैटलॉग्स एंड प्राइस लिस्ट when a prospective customer sent a letter making request for the firm's catalog and price list the opportunity must be seized to secure order from the party concerned and the must be reply should be given to it then obtaining quotation and samples aapko quotations or samples ke request karna so you should uh, draft it properly this should not be dealt with the casually this request if capitalized will go a uh, long way in establishing permanent business relationship so this is how uh, for obtaining the catalog obtaining the sample we have to draft the request letters after that request for supply or goods on credit इफ़ द रिक्वेस्ट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड क्रेडिट कम्स फॉर द एग्जिस्टिंग कस्टमर मगर समझो आप जो कंपनी चला रहे हैं वो किसी कंपनी से रॉ मटेरियल मटेरियल ले रहा है और बहुत सालों से ले रहे हैं और अगर आप पुराने कस्टमर हैं तो आप क्रेडिट बेस पे मांगना चाहते हैं सो यू शुड बी कस्टमर देयर विल बी नो प्रॉब्लम टूट ग्रांटिंग द रिक्वेस्ट तो आगे वाले जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाली जो फॉर्म है वो ना नहीं कहेगी इट शुड बी कम फ्रॉम द न्यू पार्टी ऑब्वियसली द रिक्वेस्ट के नॉट बी ग्रांटेड बट द निगेटिव रिप्लाई मस्ट बी पोलाइट एंड इन फॉर्म ऑफ टोन अगर आप रिक्वेस्ट को कोई भी रिक्वेस्ट आपको मिला है कोई भी रिक्वेस्ट आपके फॉर्म में आया है समझो कि आपकी ही फॉर्म रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है और कोई नई कंपनी आपको चाहती है कि क्रेडिट बेस पे आप उन्हें मटेरियल सप्लाई करें और आपको ना कहना है तो आपका ना का जो भी रिप्लाई है वो शुड बी पोलाइट और इन अ मैनर्स और इन गुड टोन होना चाहिए

Uh, we shall be pleased to receive a copy of your latest catalog. Yapkuch we require samples and your lowest quotation of dash. Quotation so the and these are the opening sentences for your uh, writing letter for request. What should be the closing sentences for the writing letters? Closing sentences should be we look forward to placing a large order. If your quotations are competitive and the term of business reasonable, we intend to play a large order if your prices are competitive. If your quotations and terms of business are reasonable, we hope to place an order with you. So, such kind of these sentences you should mention.

and we are glad to know of your interest in our publication so and so. we are glad uh, to know of your interest in our product and i have pleasure in giving our lowest quotation for the supply of so and so. these are the opening lines for the re reply to the uh, request letters. then the, what, what should be the closing sentences? we are sure we will found an quotation very competitive and send you in your order which receive a prompt attention. Maybe request you to send in your order immediately. The quotation should have made or free first class and finish the trust, they would be acceptable to you. Your order can be made promptly from the ready stop. So, this is how you have to draft it. Here is an example of a request letter and its reply. Because have a request letter format, a center, we have the center, address date is necessary, then the inside address, gentleman. We are in this line for the last ten years, serving the needs of university and college students as well as libraries. We propose to stock your renowned publication for sale. We can assure you a minimum business of near about two lakh or more than it initially. We shall be thankful if you would send us your latest catalog and price list along with your term of business or bulk buyers. Yours faithfully. ये किया है रिक्वेस्ट कि उन्हें क्या चाहिए लेटेस्ट कैटलॉग एंड इसके प्राइस के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है सो व्हाट शुड बी द रिप्लाई तो उसका रिप्लाई दिया है देखो uh, किस कंपनी को लिखा था ये लेटर स्टूडेंट बुक सेंटर को लिखा गया था uh, और uh, उसका रिप्लाई दे रहे हैं सुल्तान चांद एंड सन्स एजुकेशनल पब्लिशर्स दरियागंज न्यू डेली सो दे आर गिविंग द रिप्लाई उनको रिक्वेस्ट uh, आया है फिफ्टीन दिसंबर नाइनटीन नाइनटी फोर को इसे एज्यूम कर लो और उसका रिप्लाई दिया है उन्हें उन्होंने मतलब पंद्रह दिसंबर को रिक्वेस्ट लेटर आया था और उसका रिप्लाई ट्वेंटी एट दिसंबर को दिया जा रहा है वी थैंक यू फॉर योर लेटर डेटेड डिसम्बर फिफ्टीन हैव प्लेजर इज सेंडिंग यू अंडर सेपरेट कवर कॉपी ऑफ आवर लेटेस्ट कैटलॉग एंड प्राइस हमें खुशी होगी कि आप ये आपके हम क्या भेजेंगे इस लेटर के साथ कैटलॉग एंड प्राइज लिस्ट वी मच अप्रिशिएट अवर यूर इंटरेस्ट इन यूर पब्लिकेशन आवर लिस्ट प्राइज़ आर सब्जेक्ट टू द ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट एंड वी कैन ऑफर यू एडिशनल कमीशन देखो हम लिस्ट तो देंगे कैटलॉग की और उसकी प्राइजेस की पर ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट भी देंगे एडिशनल कमीशन फाइव परसेंट भी देंगे एंड फिफ्टी फाइव थाउजेंड आप ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आपके बचेंगे अगर आप हमसे सामान लेते हो सो दिस इज हाउ इट इज़ अ पॉजिटिव रिस्पांस जो भी रिक्वेस्ट कैटलॉग और उसके सिलसिले में आया था उसका ये पॉजिटिव रिस्पांस दिया हुआ है वी वी ट्रस्ट दैट यू विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ यवर लिबरल टर्म एंड सेंड इन योर ऑर्डर विच विल रिसीव आवर प्रॉन्ट अटेंशन यू आर फेथफुली सो दिस इज हाउ द रिक्वेस्ट लेटर एंड इट्स रिप्लाई रिमेनिंग और द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रिक्वेस्ट लेटर्स ऑन क्रेडिट और द रिक्वेस्ट लेटर सप्लाई ऑफ बुक्स ऑन क्रेडिट और उसके रिप्लाईज किस तरह से लिखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगर ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं आपको सच में हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करें थैंक यू